दिल्ली में आयोजित होने वाली 2 दिवसीय G20 की बैठक को लेकर राजधानी को सजाया गया है। जगह जगह विभिन्न देशों के झंडे लगाए गए हैं। इसके अलावा G20 के पोस्टर्स भी हर जगह दिखाई दे रहे हैं। अब एक पोस्टर को लेकर विवाद हो गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बताने वाले एक पोस्टर को शेयर किया और दावा किया कि इसे ऐसे समय लगाया गया है जब दिल्ली में दुनिया भर के मेहमान G20 के लिए आ रहे हैं। हालांकि इसे बीजेपी ने फेक करार दिया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर और पवन खेड़ा ने गुरुवार को यह पोस्टर एक्स पर साझा करते हुए सवाल उठाया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पोस्ट में लिखा, क्या इस तरह हम लोग अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। इसमें उन्होंने विजय गोयल को टैग किया। पोस्ट में लगाए गए पोस्टर में पीएम मोदी को दुनिया का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता बताया गया है। पीएम मोदी को 78% वोट मिले, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को 40%। पोस्टर में ऑस्ट्रेलियन, अगला इटली, ब्राज़ील समेत तमाम देशों के नेताओं की तस्वीरें हैं। पोस्टर में कहा गया है कि बधाई भारत, पीएम मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उसी पोस्टर में विजय गोयल का भी नाम लिखा गया है। वहीं बीजेपी नेता विजय गोयल ने इसे फेक बताया है। उन्होंने पवन खेड़ा को कोट करते हुए लिखा, यह फर्जी खबर है, ऐसी कोई होर्डिंग नहीं लगाई गई है। ऐसे समय में जब भारत दुनिया की मेजबानी कर रहा है, कांग्रेस को ऐसी ओछी राजनीति से बाज आना चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि कोई उन्हें समझाए कि हम भारतवासियों के लिए अतिथि देवो भव, ना कि किसी भाजपा नेता की चाटकारिता है। यह बड़े इंजन की छोटी इंजन के साथ वाला पोस्टर नहीं है, यह हमारे मेहमानों की बेइज्जती है। थरूर के इस पोस्टर पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने भी जवाब दिया। उन्होंने भी इसे फेक न्यूज़ बताते हुए साफ किया कि ऐसी कोई भी पोस्टर नहीं लगाए गए हैं। बाद में शशि थरूर ने यह पोस्ट सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया।